फोल्डेड लेग, फोल्डेड लेग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपको गैस बन रही है, गैस पेट में अटक रही है, बाहर नहीं निकल रही है, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके गैस को रिलीज करा सकते हैं। कैसे रिलीज कराएंगे एक बार देखते हैं। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद कर कर नाभि के पास रखना है और ये इस प्रकार से रखना है, ये इस तरीके से मिलाकर रखना है और पेशेंट को बोलना है लंबी गहरी श्वास लेकर पेट को फुलाएगा। जब भी हम श्वास लेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए, जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। ये टेक्निक है, ठीक है, ये टेक्निक है कि जब हम श्वास लेंगे, यही श्वास का सही तरीका होता है। जब हम श्वास को ले रहे हो तो पेट फूलना चाहिए, जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। लेकिन 50% से ज़्यादा लोगों का उल्टा होता है कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है, जब हम श्वास लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है। जबकि सही टेक्निक होती है कि जब हम किसी भी चीज़ में हवा भर रहे हैं तो फूलना चाहिए, और जब उसमें से हवा निकाल रहे हैं तो वो पिचकना चाहिए। तो ये क्रिया का ध्यान करना है कि जब हम सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, और फिर धीरे धीरे क्या है, दोनों हाथों को नाभि के ऊपर रखना है और धीरे धीरे जब पेट फूल जाएगा पूरा तो पेशेंट को बोलना है धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, और आप दोनों पैरों को पेट की तरफ धकेलेंगे, जितना मैक्सिमम आप लेकर जा सकते हैं वहाँ लेकर जाएंगे, और 6 सेकंड के लिए लास्ट में जहाँ मैक्सिमम पोजीशन पहुँच गई है वहाँ होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 सेकंड है, इन 6 सेकंड में आपने भी होल्ड करना है और इन 6 सेकंड में उसने भी होल्ड करना है, यानी कि वो अपने श्वास को बाहर निकाल चुका है। अब निकालने के बाद में उसे लेने की जरूरत पड़ेगी, तो उस 6 सेकंड में आपने भी होल्ड करना है और उसने भी होल्ड करना है कि श्वास को ना लेना है ना छोड़ना है। जब मैं पैरों को अंदर की तरफ धकेल रहा हूँ उस कंडीशन में आप धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते चले जाएंगे। जब आपकी श्वास पूरी निकल गई वहीं मैं रुक जाऊंगा, या मेरे रुकने से वहीं उनकी सांस भी रुक जाएगी, और जैसे मैं वापस आऊंगा वो श्वास को भरेंगे और फिर पेट फूल जाएगा। इस क्रिया को हम 2 या 3 बार, 3 से 5 बार भी दोहरा सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए, पेट फूल जाएगा और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, दोनों पैर पेट की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर वापस फिर पेट को फुलाते हुए श्वास ले लेंगे। इस क्रिया को हम फोल्डेड लेग के नाम से जानते हैं। इस क्रिया से हम, जैसे पेट में गैस अटक जाती है, कई बार पेट की वजह से हमारे गैस अटकने की वजह से पेट में भी दर्द आ जाता है, ये क्रिया से हमने बहुत लोगों का बैक पेन भी ठीक किया है। कि जिन लोगों को बैक पेन हो या मिडिल बैक में पेन हो, यानी कि इस एरिया में, हमारे इस एरिया में पेन हो तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। हमारे अपर बैक में पेन हो, यानी कि इस साइड के में पेन हो, तो उसके लिए भी अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन मिडिल में पेन हो तो उसके लिए हमारे पास सबसे कम ट्रीटमेंट है, हमारे सबसे कम पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट जो है, ये मिडिल बैक का पेन निकाल सकता है। किसी को भी अगर मिडिल बैक में पेन हो तो आप इस क्रिया को 3 बार दीजिए, उसे 110% फर्क आएगा ही आएगा, यानी कि मिडिल बैक के पेन को और गैस को निकालने के लिए फोल्डेड लेग का हम इस्तेमाल करते हैं।